हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली मैं कुछ लोगों की शिकायत थी कि उन्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, तो मैं उन सभी को बता दूं, अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो ये ध्यान दीजिए कहीं आपने उस बेल आइकन को पर्सनलाइज तो नहीं कर रखा है। अगर ऐसा है तो आप उसको पर्सनलाइज से हटा के ऑल कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर तभी भी नहीं मिल रही तो साथ ही साथ ये ध्यान दीजिए कि कहीं आपकी YouTube की नोटिफिकेशन ऑफ तो नहीं है, क्योंकि YouTube की एक पर्सनल नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी होता है जो हो सकता है कहीं ऑफ हो, तो आप उनको ऑन कर लीजिए। नहीं तो एक सिंपल सा तरीका है कि हम हर मंडे आपके लिए शाम 5 बजे नई वीडियो डालते हैं, तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, हम हर मंडे आपसे 5 बजे मिलते हैं, तो देखना मत भूलिएगा हमारी हर क्लास को। आज हमारी गारमेंट कंस्ट्रक्शन की क्लास है, तो हम ये वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। काफ़ी क्यूट है ना ये वाली ड्रेस। वैसे तो ये एक किड्स ड्रेस है, पर मैं देखना चाहती हूँ कि ये एक फुल ग्रोन अप फीमेल पे कैसी लगेगी, तो हम इस वाले गारमेंट को अपने क्लोथ 3D में क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने कुछ बेसिक चीज़ें पहले ही तैयार करके रखी है, जैसे हमारा अवतार और हमारा 3D विंडो में से मेजरिंग वाला ऑप्शन। तो अब हमें अपना 3D वाला टूल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से अपना 3D वाला टूल सेलेक्ट करके हम इसकी मेजरमेंट नाप लेते हैं। सबसे पहले हम इसके चेस्ट देखते हैं, तो ये आ रही है हमारी 31.749, और साथ ही साथ हम इसकी HSP से अपने एपेक्स तक की हाइट भी नाप लेंगे, जिससे हमारी जो मेजरमेंट है वो पूरी हो सके। तो ये है 9.876। हमारी चेस्ट को हम राउंड ऑफ करें अगर तो वो 31.75 के अराउंड बैठेगी, और हम इसमें ईज और ऐड कर लेंगे तो हम 32.75 रखना चाहते हैं अपनी चेस्ट को। और अगर हम 32.75 का 1/4 करते हैं, क्योंकि हम हमेशा 1/4 फैब्रिक कट करते हैं, 1/4 अपना पैटर्न क्रिएट करते हैं और फिर उसमें से अपना फ्रंट और बैक निकालते हैं, तो हमारे जो रेक्टेंगल की विथ है वो होगी 8.187, और साथ ही साथ जो उसकी लंबाई होगी वो होगी 9.876, जो हमारी HSP से एपेक्स की हाइट है। तो हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। हमारा रेक्टेंगल बनने के बाद हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा नेक विथ, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं लाइन को, और इसको हम रखेंगे 3 inches। उसके बाद हमारी जो शोल्डर की विथ आती है उसे हम 3.25 कर लेते हैं। फिर हम अपनी सेंटर बैक नेक की जो डेप्थ है वो डिसाइड करेंगे, तो इसमें जो डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं होगी, तो हम इसको 0.5 रखते हैं। और उसके बाद जो हमारी सेंटर फ्रंट नेक डेप्थ है वो हो जाएगी हमारी 3 inches, तो 0.5 हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो हम इसको 2.5 कर लेते हैं, तो ये हमारा टोटल 3 हो जाएगा। उसके बाद यहीं से हम 5 इंचेस और नीचे जाएंगे, जिससे हमारी आर्म होल की डेप्थ डिसाइड हो सके, तो हम 5 इंचेस और ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल 8 इंचेस बन जाती है। इसके बाद जहाँ हमने शोल्डर की विड्थ डिसाइड करी थी वहाँ से हम अपना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जिसकी हाइट भी हमारी 8 इंचेस होगी, वो हमारी आर्म होल की जो शेप होगी उसे गाइड करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ अपनी इस वाली लाइन को स्प्लिट कर लीजिए 0.5 इंचेस से, जो हमारा शोल्डर स्लोप कहलाता है, और फिर यहाँ से अपनी एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए वाई एक्सिस का, जो हमारी एक पैरेलल लाइन दे जिसपे हम अपनी शेपिंग कर सकें। फिर अपने इंटरनल पॉलीगन टूल की मदद से इस पे लाइन क्रिएट कर लीजिए, जो हमारी गाइडलाइन होंगी हमारी नेक, आर्म होल और शोल्डर स्लोप की। फ्रंट और बैक दोनों की हमने शेपिंग कर ली है, उसके बाद हम इसमें यहाँ से अपना कर्वेचर टूल लेंगे और इसमें जो नेक की जो कर्व है वो डालेंगे, साथ ही साथ आर्म होल के भी। अगर इनमें से किसी भी टूल के बारे में आपको उसको यूज़ करने का तरीका नहीं पता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन सभी की मैंने क्लासेस ली थी पहले, तो आप उनकी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, साथ ही साथ ऊपर की तरफ आई बटन भी आ रहा होगा, आप वहाँ से भी टैप करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं।
बाकी अगर आपको किसी चीज़ को यूज़ करने में कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। जब ये कर्व हमें सेटिस्फाइड लगने लगेंगे तो हम इसके बाद अपना ट्रेस टूल लेंगे, जिसके बाद हम अपना केवल और केवल बैक सेलेक्ट करते हुए उसको ट्रेस एज पैटर्न कर लेंगे, और फिर साथ ही साथ हम अपना फ्रंट भी सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद, और फिर उसको भी ट्रेसेस पैटर्न कर लीजिए। इसके बाद अपने पैटर्न को एडजस्ट कर लीजिए, और साथ ही साथ जिस पे हमने रफ वर्किंग करी थी उसको साइड करके फ्रीज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है हमें बाद में उसकी ज़रूरत पड़ जाए। हम जो इररिलेवेंट्स लाइंस हैं उनको डिलीट कर सकते हैं अपने पैटर्न में से, तो उनको डिलीट करने के बाद इसको अनफोल्ड कर लीजिए, और हम अनफोल्ड विद सिमेट्रिक एडिटिंग करेंगे जिससे हमारा काम आसान रहे। अरेंजमेंट टूल की मदद से मैं इस अपने दोनों पैटर्न को अपने अवतार पे सेट कर लूंगी, और फिर अपने स्विंग टूल का यूज करते हुए इस पैटर्न को स्टिच कर लूंगी। अगर स्विंग के बारे में आपको नहीं पता तो आप उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ आई बटन पे। सिमुलेशन ऑन करने के बाद हम इसकी एक बार फिटिंग देख लेते हैं। वैसे तो हमारा बॉटम नीचे से 8.187 का ही था, पर फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये उतना ही है या नहीं। तो हम इसके लिए एक नीचे की गैदरिंग वाला पोर्शन तैयार कर लेते हैं। इसके विड्थ हम 40 रख लेते हैं 50 की जगह, और साथ ही साथ इसकी हाइट हम 25 कर लेते हैं। इस पीस को एडजस्ट कीजिए, और उसके बाद फिर से अपने स्विंग टूल का यूज़ कीजिए। इसको इससे अटैच कर लीजिए इसकी बॉटम से। अगर इसकी लुक हमें सही लगी तो हम अपने बैक पीस के लिए भी इसको कॉपी कर लेंगे। लुक हमें ठीक ही लग रही है तो इसको कॉपी कीजिए और अपने बैक से इसको अटैच कर लीजिए। अपनी 3D विंडो में भी इसको एडजस्ट करें, और फिर अपने रेस्ट ऑफ द पैटर्न को फ्रीज करते हुए इसको सिमुलेट कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारी लुक ओवरऑल ठीक है तो हम इस योक की लेंथ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो केवल 1 इंची से हम अपनी फ्रंट और बैक को कम करके देखते हैं। अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है। हमारे एक साइड के फ्रंट और बैक आर्म होल का जो टोटल राउंड है वो 17.154 आ रहा है, तो हम इसका ऑलमोस्ट हाफ कर ले तो हमें 8.5 की विड्थ का एक रेक्टेंगल चाहिए, और जिसकी लंबाई होनी चाहिए 20 इंचेस। तो हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। हम हाफ स्लीव बना रहे हैं तो हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसी पे हम फ्रंट और बैक बनाएंगे जैसे हमने अपनी टॉप के लिए करा था। यहाँ से 3 इंचेस की लाइन मार्क कीजिए, और फिर अपने इंटरनल लाइन की मदद से हमारे कर्व के लिए एक लाइन क्रिएट कीजिए। पॉइंट कर्वेचर टूल लेते हुए इसमें कर्व ऐड कीजिए, सेम बैक के लिए। अपने बैक की शेपिंग एडजस्ट कीजिए जिससे वो हमारे बैक आर्म होल की तरह लगने लगे, और उसके बाद अपनी स्लीव के जो पोर्शन को उसको डिवाइड कर लीजिए जिससे हमें एक लाइन मिल जाए। फिर अपना ट्रेस टूल लेते हुए पहले एक बार अपना बैक वाले स्लीव के एरिया को सिलेक्ट कीजिए, और फिर ट्रेस एज पैटर्न कर दीजिए। फिर उसके बाद इसी तरीके से फ्रंट, अपनी एक स्लीव को हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लीजिए। मैंने अपनी फ्रंट वाली स्लीव को फ्लिप किया है, और उसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको डिलीट करके उन्हें मर्ज कर लीजिए। तो हमारी एक स्लीव रेडी हो गई है। इसको हम अपने पैटर्न के पास ले आते हैं। अपनी स्लीव को नीचे से शेप देना मत भूलिएगा। तो फिलहाल हम इसकी लेंथ चेंज कर रहे हैं बोथ साइड करते हुए, और इसकी मेजरमेंट हम कर रहे हैं 10, जिससे हमारी स्लीव में एक अच्छा सा कर्व आ सके। अपनी स्लीव को एडजस्ट कर लीजिए, और फिर इसको फ्रंट फ्रंट के साथ और बैक बैक के साथ स्टिच कर लीजिए। साथ ही साथ इसको 3D विंडो में एडजस्ट कीजिए अपने अरेंजमेंट पॉइंट टूल की मदद से। सिमुलेशन ऑन करने के बाद केवल हमारी स्लीव नीचे से ओपन रह गई है, साइड से ओपन रह गई है, तो हम उसे भी स्टिच कर लेते हैं अपने सेगमेंट टूल की मदद से। और फिर अपनी दूसरी साइड के लिए भी एक कॉपी बना लीजिए। तो हम अपनी 3D विंडो में से ही इसकी एक और कॉपी बनाने वाले हैं। राइट क्लिक करते कॉपी कीजिए, और फिर इसको मिरर पेस्ट कर लीजिए। हमारी स्लीव साइड से तो ऑलरेडी सिली हुई है, पर इसके लिए फ्रंट और बैक एरिया अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो हम उसको भी स्टिच कर लेते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी स्लीव के टॉप पे एक छोटा सा ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो हम देखते हैं कि ये चीज़ क्या है।
लगता है हमने अपनी सिलाई थोड़ी सी अधूरी छोड़ दी है, तो अपना एडिट स्विंग टूल लेते हुए इस वाली स्टिचिंग को पूरा कर लीजिए। इसके बाद अपने गैदर्ड वाले पार्ट को दोनों साइड से सिल लीजिए, जिससे हमारी ड्रेस ऑलमोस्ट फिनिश लुक की तरफ आने लगे। हमारी स्लीव की लेंथ मुझे बॉटम से अभी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो हम इसको 10 की जगह 9 कर लेते हैं। अब वक्त है हमारे स्लीव के नीचे वाले गैदर पोर्शन को बनाने का, तो हम इसके लिए एक 18x3 inches का रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इसे क्रिएट करने के बाद अपनी स्लीव के बॉटम से इसको स्टिच कर लीजिए, जिससे हमें ये गैदरिंग वाला इफेक्ट दे। अब इसको साइड से भी सिल लीजिए। ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो हम इसकी एक और कॉपी बना के अपने दूसरे हाथ के लिए भी रेडी कर लेते हैं। बचे हुए एरिया को स्टिच करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम अपने नेक की मेजरमेंट ले लेते हैं, जिससे हम अपने नेक एरिया के लिए एक गैदरिंग फैब्रिक कट कर सके। हमारे हाफ नेक का राउंड है 7.847, तो हम इसके लिए एक 28x2 का रेक्टेंगल बना लेते हैं, जो हमारी पूरी नेक पे गैदर होगा। इस रेक्टेंगल की एक साइड को आप हाफ में स्प्लिट कर लीजिए, जिससे हम इसको सेंट्रली अलाइन कर पाए अपनी नेक पे। फ्री स्विंग टूल की मदद से इसको हाफ एंड हाफ सिल लीजिए, थोड़ा सा एरिया फ्रंट के साथ और फिर थोड़ा सा एरिया बैक के साथ। इसी तरीके से दूसरी साइड के लिए भी। इसको अपनी 3D विंडो में एडजस्ट करके सिमुलेट करके देख लेते हैं। इसकी गैदरिंग अभी भी मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो हम इसको दोनों साइड से 5 इंच इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे हमारी नेक पे गैदरिंग थोड़ी सी और अच्छी आ सके। हमारी स्टिचिंग को हमें फिर से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि अब वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, तो दोनों साइड की स्टिचिंग को एडजस्ट कर लीजिए। हम इस लुक से सेटिस्फाइड हैं, तो अब इसको हम साइड से भी सिल सकते हैं। एक्चुअली में तो ये ड्रेस वैसे बैक से ओपन होगी कुछ इस तरीके से, पर फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। इसके बाद एडिट स्विंग टूल की मदद से उन सभी स्टिचेस को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके योक नेक एरिया को और इस गैदर पीस को जोड़ते हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद हम इनकी प्रॉपर्टी एडिटर में इनकी वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, तो इसकी फोल्ड स्ट्रेंथ हम 7 करके देखते हैं और साथ ही साथ इसका एंगल 0, जिससे जो हमारा कॉलर है वो स्टैंडिंग पोजिशन में आ सके। हमारी स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसको 10 कर लेते हैं। फिर से सिमुलेट करके देखिए। इस गैदर पार्ट में थोड़ी सी ड्रामेटिक लुक डालने के लिए हम इसकी लेंथ थोड़ी सी ऑन इंक्रीज कर लेते हैं, तो हम इसको 2 inches तक बढ़ा लेते हैं। इसके बाद फिर से उन सभी सिलाइयों को सिलेक्ट कीजिए और फिर अपनी टेंशन स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे दी हुई है उसको 0.5 कर लीजिए। साथ ही साथ हम अपनी फोल्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे, तो इसको 15 inches कर लीजिए। हमारी डिज़ायर्ड लुक ऑलमोस्ट क्रिएट हो गई है, तो हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पीसेस हैं हमको डिलीट कर लेते हैं और साथ ही साथ अपनी इंटरनल लाइन 3D विंडो में से हाइड कर लेते हैं, जिससे हमें एक क्लीन लुक दिखे। साथ ही साथ हम अपने सभी पैटर्न को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, जिससे वो सारे एक जगह सटल लुक दें। इसके बाद हम इसको हाई रिजोल्यूशन में सिमुलेट करके देखेंगे, जिससे हमें इसकी एक्चुअल लुक दिखाई दे और जो हमें अभी फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं गैदर एरिया पे वो काफ़ी स्मूथ हो जाए। हमारी लुक तो बहुत बढ़िया आई है, तो अब क्यों ना इसको एक फैब्रिक भी असाइन कर दिया जाए। तो हम अपनी फैब्रिक लाइब्रेरी में से जाके इसको कोई सा फैब्रिक दे देते हैं। मुझे लगता है कॉटन सैटिन इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो मैं यहाँ से कॉटन सैटिन ढूंढती हूँ और फिर अपने सभी पैटर्न पीसेस को सिलेक्ट करके उस पर ये वाला फैब्रिक असाइन कर देते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। अगर इस क्लास से आपको मदद मिली हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आप सभी को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। और हमारे फेसबुक ग्रुप में आना मत भूलिएगा, जिससे आप अपने सहपाठियों से बात कर पाए और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।